धर्म के अनुसार अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है। आज हम इस बात पर विचार करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपन लोग जैन आचार्य की विशेषता पढ़ रहे थे और जैन आचार्य की विशेषता में हमने पिछली बार ये पढ़ा कि अहिंसा जैनाचार का मूलाधार है। हजारों व्रत कहे हैं पर वास्तव में देखा जाए तो व्रत एक ही है, अहिंसा, और बाकी सब सील है। सील का मतलब है जो व्रत की रक्षा करने के लिए दूसरा व्रत लिया जाता है उसे सील कहते हैं। तो वास्तव में व्रत एक है, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है और इस बात का मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी हम लोग जैन भी अहिंसा का सही स्वरूप नहीं समझते हैं। अब आप सोचो कि मुझे यहाँ पर अहिंसा पर चर्चा करने की जरूरत है और जगह पर कहीं भी जहाँ, यहाँ पर ये जो बहुत स्वाध्यायी है, पानी छान कर पीते हैं, सर्व प्रकार के बहुत सारे अभक्षों से बचे हुए हैं, जिनका जीवन बहुत शुद्ध सात्विक है, उनके बीच आज मैं चर्चा कर रहा हूँ और मैं बहुत गदगद हूँ। मेरे मन में बहुत अद्भुत अद्भुत बातें समझ में आ रही हैं और आप शांति से समझना, आज आपको कुछ बहुत बड़ी बात मिलने वाली है। जैन धर्म क्या अहिंसा का स्वरूप बताता है, जरा एक दफे में सोचे तो ठंडे दिमाग से शांति से, अहिंसा कैसी होती है। और इसको समझने के लिए मैंने इसमें चार लेख लिखे हैं, बहुत गहरे गहरे लेख हैं और अभी उसमें से मैं पेज नंबर 57 पर एक लेख है, क्या अहिंसा जैन धर्म की विशेषता है, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल का नाम क्या, क्या अहिंसा जैन धर्म की विशेषता है। और आपको थोड़ा सा समझ में आए इसलिए शुरू की चार लाइन पढ़ के सुना था, आपको पता चलेगा आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या लिखा, दुनिया के प्राय सभी धर्म दर्शन अहिंसा का ही उपदेश देते हैं। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि हिंसा करो। अतः बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अहिंसा जैन धर्म की अपनी विशेषता नहीं है, किंतु यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे अहिंसा जैन धर्म की ही विशेषता सिद्ध होती है। देखो आपने खूब सुना होगा, मोटे तौर पर ये बात कही जाती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर, कोई किसी को लड़ो मारो ऐसा कौन धर्म कहता है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा का उपदेश नहीं देता है, सब अहिंसा की बात करते हैं। पर क्या अहिंसा को फिर सब धर्मों की बात मान ली जाए, अहिंसा को क्या सब धर्मों का सिद्धांत मान लिया जाए। तो हमारे आचार्यों ने लिखा है कि अहिंसा जैन धर्म की ही मौलिक विशेषता है, जैन धर्म का प्राण है। कैसे, इसके लिए मैं एक श्लोक और सुनाता हूँ, फिर चर्चा करेंगे। आचार्य समंत भद्र हुए,
नाथ भगवान की स्तुति करते समय एक श्लोक आया है बहुत अच्छा, वो पेज नंबर 57 पर नीचे लिखा हुआ है, 119 नंबर का श्लोक है, आप जरा ध्यान से इसको और पढ़ लो तब आपको मेरी आगे की बात समझ में आएगी। आज मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको कहने का मन है। देखो क्या कह रहे हैं, अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं। बड़ा सुंदर श्लोक है, सैकड़ों मंदिरों में लिखा हुआ है। आप लोग संस्कृत जानते हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं होगा। मैं जहां जाता हूँ वहां पर मानस स्तंभों पर लिखा हुआ है, महावीर जी में लिखा है, शिखर जी में लिखा है, सोनागिर जी में लिखा है। ऐसा प्यारा श्लोक है, इस एक ही श्लोक को समझ लो तो गंगा पार। देखो क्या लिखा, अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म का तांडव नृत्य करता है। देखो
क्रिया वही हो सकती है जहां अणु मात्र भी आरंभ न हो। गजब हो गया, 100 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगी ये ढाई लाइन, 100 बार पढ़नी पड़ेगी, छोटी लाइनें नहीं है। जैन धर्म पालेना, अहिंसा अहिंसा जय जय करना, नारे लगाना, रैली निकालना सब आसान है, पर अहिंसा समझना, अहिंसा के नाम पे अपन मंच बना सकते हैं, रैली बना सकते हैं, जयकारे लगा सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, पर अहिंसा किसका नाम है वो समझने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगता है। स्वीकार करने में पसीना आएगा, समझो तो सही एक बार। आप स्वाध्यायी लोग आप समझ जाओ, मुझे और उसे मतलब नहीं है, मगर एक दम अपनी समझ में आ जाए कि अहिंसा क्या है। एक बार फिर पढ़ता हूं ढाई लाइन, हे जिनेन्द्र ढाई लाइन है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो है। ये ढाई पंक्ति है बस, है ना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, क्या लिखा कबीर ने, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ऐसे कितने शास्त्र पढ़े, कितने काम किए, ये ढाई लाइन पढ़। हे दिनेन्द्र जीवों की अहिंसा जगत में परम ब्रह्म मानी गई है, किंतु वह अहिंसा आपके ही मत में है, अन्यत्र नहीं है। ही भी लगाया, दूसरी जगह नहीं है भी लिखा, और क्योंकि भी बताया, क्योंकि अहिंसा वही हो सकती है जहां अणु मात्र भी आरंभ नहीं होना चाहिए। अणु मात्र भी, परमाणु बराबर भी आरंभ है, और आरंभ माने जानते हो, आपको लगता है मैं अभी हिंसा कर रहा हूं, लेकिन सही बताओ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। आरंभ बोलना क्या है, अरे जमीन खोदना, पेड़ तोड़ना, पानी फैलाना, अग्नि जलाना, ये सब तो आरंभ है ही है। प्राणी पीड़ा हेतुक व्यापार आरंभ, सारा सूक्ष्म जीव की भी हिंसा यहाँ हो रही है, तो वो आरंभ तो आरंभ है, चाहे आप धर्म के नाम पर करो कैसे भी करो, लेकिन हिंसा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो सकती है। जैन धर्म की यही खास बात है। फिर एक बार ढाई लाइन, हे जिनेन्द्र जीवों की अहिंसा जगत में परम ब्रह्म मानी गई है, किंतु वह अहिंसा किसने लिखा है, सामंत भद्राचार्य ने 1800 साल पहले, ये आज की मेरी कही बात नहीं किसी की, मूल आगम। वह अहिंसा आपके ही मत में है, अन्यत्र नहीं है, क्योंकि अहिंसा वही हो सकती है जहां अणु मात्र भी आरंभ ना हो। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं इस बात को समझने के लिए, पूर्ण अहिंसक कैसा होता है आप मुझे बताओ, एक मिनट को जरा सोचो, पूर्ण अहिंसक कैसा होता है। अब हम इतनी अहिंसा की बातें, समाज गवर्नमेंट फलाना ढिकाना क्या 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 सब होता है, लेकिन मैं आपसे 2 मिनट ये पूछ रहा हूं कि मुझे पूर्ण अहिंसक बनना है, पूर्ण, किंचित भी हिंसा मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, तो अब मैं क्या करूं बताओ। मुझे पूर्ण अहिंसक बनने के लिए मुझे क्या करना होगा ये बताओ आप। बस मुझे क्या, हाँ तो अब दया धर्म का, तो मैं क्या करूं बताओ, मैं चलूं वो दियर पार्को की
मतलब एक आप सोचो पूर्ण जैन धर्म की परिभाषा अहिंसा की मैंने पिछली बार आपको पढ़ाई थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 49। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और उत्पत्ति नहीं होना उनकी वो अहिंसा। अब आप देखो अपन कितना बन पाए वो अलग बात है, न्यायी हम कितना फॉलो कर पाए वो अलग बात है, हमारी थ्योरी तो क्लियर होनी चाहिए ना। मुझे पदम जी से रुपए लेने हैं 1 लाख, अब मैं इनसे पूछता हूँ कितने लेने हैं तो ये कहते हैं 2000 देने हैं। मैंने कहा नहीं आप 2-2 हजार दे दो चलेगा, पर ये तो बोलो देने 1 लाख है, समझ में आया ना। आप पहले जितने देने हैं आप दे 2-2 हजार के, आप 1000 दे, आप अपनी शक्ति नहीं हो तो अभी बोलो मैं 10 साल नहीं दूंगा एक भी पैसा, लेकिन इतना तो बोलो कि मुझे आपके 1 लाख रुपए देने हैं, इतना तो बोलो। नहीं मैं आपको 90 हजार दे रहा हूं ले लो, नहीं 90 हजार दे रहे हो पर मैं ये भी गलत है, आप तो पहले थोड़ी तो क्लियर करो, आप ये तो मानो कि क्या देन लेन बाकी है। तो ऐसे ही अहिंसा को हम और आप कितना पाल पाएंगे, लेकिन अहिंसा का स्वरूप तो समझे। मान लो मुझे पूर्ण अहिंसक बनना है तो क्या हो क्या करूं मैं, मुझे कितना बता दो आप, किसी को भी क्या, आपको पूर्ण अहिंसक बनना है तब क्या करना। मान लो मुझे इतना पढ़ के समझ के ये आ गया कि हिंसा मुझे मेरे जीवन में जरा भी नहीं रखनी, अब मैं क्या करूं मुझे ये बता दो। अरे यहां डॉक्टर साहब और किसी को कुछ कहने का मन है, देखो ये बहुत अच्छी बात है, खास पूर्ण अहिंसक जीव कैसा होता है, उसकी क्या दशा होगी, उसकी फोटो कैसी होगी, फोटो खींचना है मुझे, वो क्या कर रहा होगा, वो इंडिया गेट पे जंतर मंतर पर कोई धरना प्रदर्शन क्या कर रहा होगा वो, देखो जो पूर्ण अहिंसक की एक बार फोटो तो खींचो मुद्रा तो खींचो, पूर्ण अहिंसक ऐसा हो बोल भी नहीं रहा होगा सोच भी नहीं, सुनो सोच भी नहीं रहा होगा, अगर कुछ सोच रहा होगा तो वो पूर्ण अहिंसक नहीं होगा, सोचना भी हिंसा है। अब आपको समझ में आ रहा है जैन धर्म के हिसाब से अहिंसा की पूर्ण अहिंसक की दशा के। अच्छा अब चलो दूसरी तरफ भी चलो, अहिंसा का सबसे छोटा विद्यार्थी कौन होगा, अब मैंने आपको हाईएस्ट बता दिया, अहिंसा का सबसे बड़ा विद्यार्थी कौन होगा, पूर्ण अहिंसक कौन होगा, ये होंगे ऐसी दशा ये पूर्ण अहिंसक है, जो भगवान वीतराग सर्वज्ञ हैं वे पूर्ण अहिंसक है, उनके पहले कम ज्यादा हिंसा हो सकती है लेकिन सबके थोड़ी ना थोड़ी हिंसा पाई जाती है, सोचना भी हिंसा है। बताओ अब आप अंदाजा लगाओ पूर्ण अहिंसा कैसे होती है, और अहिंसा का सबसे छोटा विद्यार्थी कौन है, पहले दिन का पहली पाठशाला जिसने LKG पास की अहिंसा का वो कौन होगा, तो लिखा जो अहिंसा पर केवल श्रद्धा रखता है जिस, अरे साफ साफ लिखा जम सकती तम इज्जत दंशन पाउड की दूसरी तीसरी नंबर की गाता है, अहिंसा का पहला विद्यार्थी
कौन के जिसने जरा सी भी हिंसा नहीं छोड़ी है अभी, सॉरी हिंसा, जिसने जरा सी भी हिंसा नहीं छोड़ी है अभी, उसके जीवन में अवक्ष वक्षण पाया जाता है। अभी वो आरंभ व्यापार सब कर रहा है, उसके पास परिग्रह है, लेकिन उसको ये समझ में आ गया है कि हिंसा कभी भी करो, कोई भी करो, किसी भी लिए करो, हिंसा माने हिंसा वो गलत है, गलत है, गलत। हिंसा कथमपि सही नहीं हो सकती। वो कौन है? अहिंसा का पहली क्लास का विद्यार्थी। धीरे, अहिंसा पर श्रद्धा नहीं है तो वो पहली क्लास का भी नहीं है। कोई कहे कि नहीं नहीं हो सकती है, थोड़ी तो होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं चले। हिंसा मुझे आज दो ही बात कहनी है आपको, ताकत लगा के कहने को तो बहुत है, पर ये दो समझ में आ जाए अच्छे से हमारे। अहिंसा का पहला विद्यार्थी बनना भी कठिन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। समझ में आया? आप क्या सोच रहे हो मैं वो हाईएस्ट वाला कह रहा हूं? आप जी आपने तो वो बता दिया हाईएस्ट वाला जो अपने बस का था। अरे हाईएस्ट वाला छोड़ो, फर्स्ट वाला बन सकते हो। लोग हिंसा को जस्टिफाई कर रहे चारों तरफ, मैं देख रहा हूं और उन मैं सिद्ध करके बता दूंगा दिल में क्या बैठी है बात। हिंसा कभी भी किसी भी रूप में उचित नहीं हो सकती। झूठ, चोरी और ये सब समझ में आ रहा है आपको? एक मुनि महाराज थे, ध्यान कर रहे थे, उनको मारने के लिए शेर आ गया। शेर उन पे हमला करने वाला था कि तभी एक सुअर आ गया, जंगली सुअर, ताकतवर होते। कहानी सुनी होगी ना, प्रथमा रूप में आती है अभेदान की कहानी, अभेदान की कहानी आती है ना सुकर की। तो वो सुअर आया, वो सुअर ने शेर से लड़ाई की, उस वो उनकी माँ महाराज जी की रक्षा करने के लिए शेर से लड़ने लगा। अब उसने शेर से लड़ाई करके शेर को मार डाला, तो बताओ शेर ने जो हिंसा की सही की कि गलत की? अभी बहुत सोचने की बात है। कोई आदमी एक डाकू गांव में जा रहा था और उस गांव में उसको हजारों लोगों को मारना था, सत्या आग लगानी थी पूरे गांव में, और मुझे पता चल गया कि ये गांव में जा रहा है, वहां आग लगाएगा पूरे गांव को, नागरिकों को सब सही जिंदा जलाएगा। कोई बस जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है, और मुझे पता चल गया कि ये आदमी है ना, ये पूरी ट्रेन पर तेल डाल के जलाने वाला है। अब मैंने, मुझे पता चला तो मैंने उस आदमी को मार डाला। तो अब आप मेरा अभिनंदन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? बहुत अच्छे से सोचना, बड़ी बात है। एक ट्रेन में 1000 सवारी बैठी थी और एक आदमी बॉम्ब से उड़ाने वाला था, और मुझे पता चल गया तो मैंने उस आदमी को मार डाला। तो अब ये बताओ मुझे अभिनंदन पत्र मिलना चाहिए कि नहीं? मेरा अभिनंदन होना चाहिए कि नहीं? समाज कह रहे हैं कि आपने हिंसा की है, कुछ कह रहे हैं नहीं।
अहिंसा का टॉपिक हमारी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। अभी हमारे साथियों को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सुनो सुनो, जरा विचार करते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, एनालिसिस करते, घबराना क्या। जरा अगर हमने ये सोचा कि भाई उसने 1000 को बचाया एक को मार करके, तो फिर हमारी वो कंसेप्ट कहां गई जो अभी हमने इतनी देर घिसी है कल और आज, कि हिंसा कोई भी करे कभी भी करे किसी भी लिए करे वो गलत है। अपन ने ये बात सीखी है कि नहीं सीखी है? और अगर सीखी है तो अब इस पे खिसकना पड़ रहा है, नहीं तो है ना। और अब अगर उस बात को मान लेते हैं तो फिर हम देश रक्षा समाज रक्षा उनका क्या होगा भाई? फिर इस आदमी को तो वीरत्व का पदक मिलता है बहुत बड़ा, मरणोपरांत बड़े बड़े सम्मान परम वीर चक्र क्या क्या मिलते हैं। फिर क्या करा इसने अच्छा किया कि बुरा? चाइना वाले हम पर आक्रमण करने वाले थे, पाकिस्तान वाले हम पर आक्रमण करने वाले थे, पूरे भारत को बॉम्ब से उड़ाने वाले थे, और हमारे 4 सैनिकों ने वो जो आए थे उड़ाने उनको मारना, तो उन्होंने सही किया कि गलत किया? हिल जाओगे अहिंसा का भाई। एक तो फिर मुझे ये बता दो उस लाइन का क्या करे, पहले उसको डिलीट कर दे। हिंसा कोई भी करे, एक लाइन हमने बोली ना तैयार की ना, हिंसा कोई भी करे कभी भी करे किसी भी लिए करे वो गलत है। हिंसा हिंसा है, हिंसा कथमपि उचित नहीं हो सकती। अब या तो इस पार्ट को रखना कि नहीं रखना ये बता। इस बात को जैन धर्म रखता है, दूसरे धर्म तो ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम उनके यहां तो भगवान के भी हाथ में धनुष दे देते हैं और कहते हैं कि वो भगवान है, वो तो राक्षसों को मार रहे, वो तो बढ़िया है, वो तो भगवान पैदा ही इसलिए हुए हैं, वो तो राक्षसों को मारने के लिए पैदा हुए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, बड़े बड़े असुर कुमार उनको मारा उसको मारा उसको मारा, इसीलिए तो भगवान है, नहीं तो कहीं वो भगवान है। और या हमने पहले ये लाइन पढ़ी कि हिंसा कोई भी करे कभी भी करे किसी भी पर्पज से करे, पर वो हिंसा हिंसा है और गलत है। तो तारीख किसकी? देखो सुनो बहुत बारीक, इसमें लिखा है बहुत अंत में, इसको पढ़ना, ये पढ़ के ही सुना दो, कहां बाद में पढ़ोगे, मेरे सामने पढ़ लोगे जो पढ़ लोगे पढ़ के आना कह दिया तब तो हो गया। पेज नंबर 58 में पढ़ो नीचे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुना रहा हूं। कभी कभी एक लाइन भूलना मत आज के व्याख्यान की, क्योंकि समय हो रहा है। हिंसा का सर्वोच्च विद्यार्थी कौन है? पूर्ण अहिंसक वो है जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, उनके पहले कोई कुछ भी कर रहा है वो सब छोटा बड़ा, पर है हिंसक ही, उसके जीवन में हिंसा है ही है, थोड़ी ज्यादा की बात न्यारी है। और हिंसा का पहला विद्यार्थी कौन? जो अहिंसा पे पूरी सुमेरु पर्वत जैसी अटल श्रद्धा।
कोई भी करे, कभी भी करे, किसी पर भी करे, तो हम पहली क्लास के भी नहीं, समझ में आया? अभी अपन पहली क्लास के भी नहीं, क्योंकि अपनी तो श्रद्धा ही हिल गई, हमने तो हिंसा को ही जस्टिफाई कर दिया ना, हिंसा को महिमा मंडन कर दिया ना हमने, तो हिंसा को उचित ठहरा दिया। तो अपन तो अभी एलकेजी के भी नहीं ठहरे, वो तो जोड़ो एमएपी एलकेजी वाले। अब वो इसमें पढ़ लो, जो आप पहुंच रहे हो ना, सही पहुंच रहे हो, सही सही समझ रहे हो, अब इसको समझो। देखो कभी कभी कुछ घटनाओं में हमें ऐसा लगता है कि हिंसा करना भी उचित ही रहा, उससे हिंसक को बहुत पुण्य बंद हुआ, परंतु इससे हमें कभी भी भ्रमित होकर ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हिंसा से पुण्य बंद होता होगा, क्योंकि हिंसा से तो पाप बंद ही होता है। हिंसा से कभी त्रिकाल में पुण्य बंद भी नहीं हो सकता। देखो और एक बारीक बात आई है, हिंसा से धर्म तो हो ही नहीं सकता शुद्ध उपयोग रूप, हिंसा से पुण्य बंद भी नहीं हो सकता। जबकि कई बार हमको ऐसा देखा जाता है, वो सुअर कहां गया था जिसने शेर को मारा था? शेर नरक में गया था और सुअर कहां गया था? स्वर्ग में। तो उसने शेर को मारा तो स्वर्ग में तो गया ना। एक ट्रेन को कोई जलाने वाला था और मैंने उस आदमी को बचा लिया। मैं चाइना की बॉर्डर पर मैं सैनिक हूं और वहां से कोई प्रहार हो रहा था और मैंने उस प्रहार उसको मार डाला दो को, तो मुझे क्या हो, मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक? अब ये बताओ। अब और बारीक बात, मैं अलग सवाल पे चला गया, वो मैं नरक जाऊंगा कि स्वर्ग? मैंने हजार लोगों को ही ट्रेन को बचाया एक आतंकवादी को मारकर, तो ये मैं कहां जाऊंगा? तो स्वर्ग जाऊंगा तो हिंसा उचित हो गई। बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात है, सुनो एक बार फिर सुनो। कभी कभी कुछ घटनाओं में हमें ऐसा लगता है कि हिंसा करना भी उचित ही रहा, उससे हिंसक को बहुत पुण्य बंद हुआ, परंतु इससे हमें कभी भी भ्रमित होकर ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हिंसा से पुण्य बंद होता होगा, क्योंकि हिंसा से तो पाप बंद ही होता है। हिंसा से कभी त्रिकाल में पुण्य बंद नहीं हो सकता, किंतु कई बार ये लाइन बहुत अंडरलाइन करने लायक है, कई बार हिंसा के समय भी हिंसा के नहीं रक्षा के परिणाम होते हैं और उन रक्षा के परिणामों से पुण्य बंद होता है। देखो बारीक बात है ना, देखो सुनो, वो जो हिंसा की जा रही है वो सही नहीं हुई है, मैंने वो एक को मारा है वो सही नहीं हुआ है, मैंने एक आतंकवादी को मारा तो और मुझे स्वर्ग मिला, तो स्वर्ग उस एक आतंकवादी को मारने से नहीं मिला है, वो हजारों को बचाने की भावना से मिला है। लोग क्या कहते हैं, मारने से स्वर्ग मिल गया, मारने से नहीं मिला। तो हिंसा कहां उचित हुई? हिंसा का तो मुझे पाप लगेगा, ये भी सुनो, उसी काल में लगेगा, तब भी लगेगा। उस सुअर को, शेर को मारने का पाप भी लगेगा, मैंने उस आतंकवादी को मारा तो मारने का भी पाप लगेगा, और वो जो हजार लोगों को बचाया वो बचा, लेकिन हो क्या रहा है, समुद्र जितना पुण्य और बूंद बराबर, पर हिंसा तो हिंसा रही, उस हिंसा सही नहीं हुई। वो जो उसको मारा वो भी था हिंसा ही, गलत ही था, वो सही नहीं था,
हिंसा के समय भी हिंसा के नहीं रक्षा के परिणाम होते हैं और उन रक्षा के परिणामों से ही पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध भी हो गया, हिंसा की पुण्य बंध भी हो गया, लेकिन हिंसा से पुण्य बंध नहीं हुआ। हिंसा की और पुण्य बंध हो गया पर हिंसा से पुण्य बंध नहीं हुआ। हिंसा के काल में जो अहिंसा की भावना थी वो भावना स्वर्ग ले गई है। जैसे कि सुवर ने मुनिराज की रक्षा के लिए शेर की हिंसा की और इसके फल स्वरूप से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, यहाँ शेर की हिंसा से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है अपितु मुनिराज की रक्षा से हुई है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए, उसने शेर को मारने के लिए शेर नहीं मारा था, शेर मारना मजबूरी थी, शेर तो मर गया था, वो तो महाराज को बचा रहा था। ये देखो कैसी कमाल की बात। शास्त्रों में भी कई बार ऐसा उपदेश दिया गया है जिसमें हमें ऊपर से हिंसा होती दिखाई देती है पर वह उपदेश वास्तव में हिंसा के लिए नहीं रक्षा के लिए होता है। जैसे कि स्वच्छता रखो, सफाई रखो, अब सफाई रखने में हिंसा नहीं होगी क्या? होगी, लेकिन नहीं रखोगे तो ज्यादा होगी, ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए स्वच्छता रखने के उद्देश्य को हिंसा के लिए नहीं अपितु बहुत हिंसा से बचने के लिए दिया गया उपदेश समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि कदाचित ऐसा कहा जाए कि यह हिंसा उचित है तो उसका आशय भी हमें इसी प्रकार भली भांति समझना चाहिए कि हिंसा तो कदम भी उचित नहीं हो सकती, ये तो लोहे की लकीर है, परंतु कभी कभी हिंसा के समय भी भावना हिंसा की नहीं अहिंसा की होती है और उचित उस अहिंसा को का। एक ही काल में दो चीज चलती है, एक ही काल में उस सुअर के उस समय दोनों परिणाम थे। जब मैं आतंकवादी को मार रहा था उस समय मेरे दो परिणाम थे, उसे मारने के भी थे और वो हजार यात्रियों को बचाने के भी थे। तो वो एक को मारने का पाप भी लगेगा और हजार को मारने का पुण्य भी। ये धर्म कांटा है, यहाँ जो करेगा जितना जो भी, लेकिन पलड़ा रक्षा की भावना वाला ज्यादा। एक बात, अब इसमें एक और खास बात सुनो, मारना तो हिंसा है लेकिन बचाना हिंसा है कि नहीं ये बताओ। मैंने चींटी को मारा, अब ये हिंसा हुई, लेकिन मैंने चींटी को बचाया, ये हिंसा है कि नहीं? ये जरा भाई ये और बारीक बात आ गई, समझ में आया? चींटी पानी में बह रही थी और हमने बचाया, अब ये बचाया ये क्या है? मैं भी बारीक बात बता रहा हूँ, वो सुअर ने जो की वो क्या थी? शेर ने जो की थी वो तो हिंसा थी और सुअर ने जो की थी वो क्या थी? वो जो सुअर ने की थी वो क्या? जब आपने पूर्ण अहिंसक दशा ऐसी मान ली है, उसको राग तो था ना, सुअर को राग था ना मुनि महाराज से, और राग क्या है? अच्छा, एक चींटी पानी में जा रही थी और वो हमने उसको बाहर निकाल के बचा लिया। तो अब ये बताओ मैंने हिंसा की कि नहीं की? कोई कहेगा हिंसा? आपने अहिंसा परमो धर्म, आपने अहिंसा परम धर्म का बल नहीं। भाई साहब, आप सूक्ष्मता से देखोगे तो चींटी को मारना तो हिंसा है ही,
होने का भाव भी राजरूप होने के कारण हिंसा ही है, अहिंसा नहीं है। अरे तुम बचा सकते हो, नहीं सुनो, चींटी को तुम बचा सकते हो, उसके उसका अहिंकरण क्या करेगा? हम मैंने चींटी को बचाया, आप मिथ्या को पालो। आप किसी का भला बुरा कर नहीं सकते। आपने किसी को भला बुरा करने की भावना रखी, आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ करना कुछ बोलना, लिखन अणु मात्र भी आरंभ नहीं होना चाहिए, लिखन अणु मात्र भी आरंभ नहीं होना चाहिए। आपने चींटी को पानी में से निकाला, अणु मात्र भी आरंभ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो हिंसा है। अब ये सब बातें आप ही सुन रहे हो, नहीं तो मुझसे कह देते कल से यहां मत आया करो। आप लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हो, नहीं तो कोई और होता ना, कहीं और सुना रहा होता तो अभी मुझसे कह देते अगले सोमवार से आप आना बंद कर दो, बहुत सुना लिया आपने। भाई देखो समझो, मैं आपको देखो एक बात बहुत पवित्र मन से कह रहा हूँ, तो बचाने का भाव क्या है? तो वो राग द्वेष नहीं है क्या, ये बताओ? वो जो बचाने का भाव है वो राग है कि नहीं? राग द्वेष से रहित भाव है क्या वो? तो करुणा क्या है? करुणा भी राग है ना। देखो मैं एक बात कह देता हूँ, समय बहुत हो गया, मैं बिना किसी पक्ष के आपको बहुत निस्वार्थ मन से, ईमानदारी से, जैसा जैन धर्म है वैसा सुनाना चाहता हूँ, और आपके हजार प्रश्न हो तो सबका तसल्ली से उत्तर देना चाहता हूँ, पर ईमानदारी से समझो और घबराओ नहीं, आज नहीं तो कल। पर ये नहीं समझ में आया तो सारे जीवन जैन धर्म के नाम पर कुछ कुछ उल्टा सीधा समझते रहोगे। असली जैन धर्म समझना है तो आपको थोड़ा गंभीरता से, शांति से सब बात साफ, आप मोटी बात समझ लो, इतनी बात हमारी समझ में आ नहीं रही है अभी कि राग हेय है, सारा राग हिंसा है, राग आग है, हिंसा कभी भी करे, कोई भी करे, किसी भी लिए करे, वो हिंसा हिंसा है और वो उचित नहीं कही जा सकती है। पूर्ण अहिंसक दशा यही हो सकती है, इसके अलावा कोई भी दशा पूर्ण अहिंसक नहीं। केवल यही एक मुद्रा है जो पूर्ण अहिंसक हो सकती है, बाकी कोई कुछ भी करे मारे काटे तो हिंसक है ही, बचाए सेवा करे तो भी। अब ये सब थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा है भैया, चलो आएगा पर समझ में आ जाएगा तो निहाल हो जाओ, समझ में आएगा तो निहाल हो जाओ, आएगा। घबराना मत, कोई भी, मैं भी यही हूँ, आप भी हैं।